पिताजी का विक्टिम हूं मैं, मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था, तो पहले उसका जवाब तो दे। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, 72 घंटे के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, जहां पीएम मोदी के बिहार आने को लेकर के उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी है, तो वहीं चुनावी सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे, जिसे लेकर के सम्राट चौधरी नवादा के लिए रवाना होते नजर आए, जिस दौरान सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर भड़ास निकाला है, साथ ही लालू परिवार को भी घसीटा है। बता दें कि लालू परिवार पर एक और जहां निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी जमकर बोलते नजर आए, तो वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए ट्वीट पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जरा वो अपने पिताजी से पूछे कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, किस तरीके से उन्होंने मेरा घर तोड़वाया था। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनिए। तेजस्वी यादव ट्वीट करके जांच एजेंसियों को लेकर कहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर। उनको ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई किया था। और सबसे पहले तो उन्हीं के पिताजी का विक्टिम हूँ मैं, मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था, तो पहले उसका जवाब तो दे। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं। बहुत अच्छी मीटिंग होगी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। सुना आपने किस तरीके से सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, वहीं तेजस्वी यादव द्वारा किए गए ट्वीट पे भी अपनी बातों को रखा है। दरअसल आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी के बिहार के इस दूसरे दौरे पर 10 सवाल उठाए हैं और 10 सवाल का जवाब मांगा है, जिसे लेकर के सम्राट चौधरी ने बड़ा तंज कसा है। जिले की जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।